वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव सिटी। सो हेलो गाइस। सो गाइस, आपको क्या लगता है किसी एक ऑर्गेनिज्म के कितने लेग्स हो सकते हैं? 10, 20, 30 या 40? सेंटीपीड एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके 354 लेग्स हो सकते हैं, पर ये तो कुछ नहीं। मिलीपीड एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके 40 to 400 लेग्स हो सकते हैं। कैलिफोर्निया की मिलीपीड की एक स्पीशीज़ हैं जो कि अभी एक्सटेंट होने वाली हैं। उन स्पीशीज़ के फीमेल मिलीपीड्स की लेग तकरीबन 700 to 750 हो सकती हैं। जापानी सीडर ट्री, जिसे जापान में सुगी कहा जाता है, और इसकी एक ही प्रजाति बची है। और ये जो ट्री आप देख रहे हैं, वहाँ के लोगों का कहना है ये ट्री तकरीबन 7200 साल पुराना है। हालांकि साइंटिस्ट उस ट्री की रियल एज अभी तक पता नहीं कर पाए हैं, पर वहाँ के लोगों का कहना है कि इस ट्री की एज तकरीबन 7200 ईयर्स है। पोटैटो, जो कि हर घर में पाया जाता है, उसे हमेशा पका के खाना चाहिए। हाँ, मुझे पता है ये एक लॉजिकल बात है, पर पोटैटो के कुछ ग्रीन पार्ट में सोलानिन केमिकल होते हैं जो कि इंसानों के लिए पॉइजनस भी साबित हो सकते हैं। रफलेशिया, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट फ्लावर है और इसकी खुशबू काफ़ी तेज भी होती है, जिसकी साइज़ तकरीबन 1 मीटर और वजन तकरीबन 11 किलो तक हो सकती है। वॉल्फियो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, जिसकी तकरीबन 9 to 11 स्पीशीज़ हैं, जिनका साइज़ तकरीबन 0.06 मिलीमीटर होता है और इनका वजन 2 नमक के दानों जितना होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हम दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो बाय।